दोस्तों के दबाव में आके जो है नशे की तरफ जाएंगे। एक तीसरा बहुत बड़ा रीजन हमारा मीडिया का बनता है। मीडिया में भी माचो मैन या हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज हैं उनको भी दिखाया जाता है कि वो सिगरेट के साथ, शराब की बोतल के साथ स्क्रीन पे आते हैं। उसको हमारा जो यूथ है वो आइडियलाइज करता है। आइडियली तो ऐसी प्रेजेंटेशन मीडिया में होनी नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों को भी एज यूथ ये बात दिमाग में रखनी है। जय हिंद, आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू के राजीव नगर इलाके में हम इस समय मौजूद हैं और यहां पर आपको बताते चलें कि आज तमाम जो पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं वो इस समय जो है यहां पर मौजूद, जिसमें एसएसपी जम्मू की बात करें तो वो भी इस समय जो है मौके पर है, और इसी के साथ साथ जो एसपी हैं अजय जी, और इसके साथ अलावा एसडीपीओ शहजान भट्ट जी और जितने भी तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो आप देख सकते हैं इस समय मौके पर हैं। और वहीं डीआईजी साहब के जो एसओ हैं राजेंद्र सिंह कटोच जी, वो भी इस समय यहां पर मौके पर हैं। जिस तरह से लगातार पुलिस की बात करें तो नशे को लेकर जो पुलिस को लगातार शिकायतें मिलती थी कि वहां पर जो है वो ये नशा जो है बिक रहा है, फिर जो है वो नशा जो है किया जा रहा है, और उसी के चलते नौजवानों को इस नशे से जो है बचाने के लिए ये एक बड़ा ये कहें कि ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो आज जम्मू के राजीव नगर इलाके में यहाँ पर जो है किया जा रहा है। कोई भी नया काम करना है उसको आपको अपने बड़ों की सुपरविजन में जो है वो उनकी सलाह के साथ करना है, खुद नहीं करना है। तीसरा ये एक बहुत बड़ा रीजन नेक्स्ट आता है। एसपी साउथ आज जी इस समय मौके पर मौजूद, और वहीं आपको बता दे चलें कि शहजान भट्ट जी और राजेंद्र सिंह कटोच जी आप देख सकते हैं इस समय इस मौके पर यहां पर मौजूद हैं, और काफी तादाद में लोग इस समय यहां पर मौजूद आज के इस प्रोग्राम में, ताकि किस तरह से जो है नौजवानों को यहां पर बचाया जाए इस खतरनाक नशे से, क्योंकि नशा जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि लगातार जो है वो पांव पसार रहा है जम्मू कश्मीर में, और इसी के चलते पुलिस की कोशिश कि किसी न किसी तरीके से इस नशे को जड़ से जो है वो खत्म किया जाए। जब भी मोस्टली हमने ये देखा है कि जो 15 से 35 साल के यूथ अगर एडिक्शन में आ रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अपने दोस्तों की वजह से आता है या स्ट्रेस की वजह से आता है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोगों की जिंदगी में स्ट्रेसेस हैं या आप लोगों को पीयर प्रेशर या दोस्तों के रीजन हैं, उनको प्लीज थोड़ा नॉलेज के साथ आप हैंडल करिए। अदरवाइज आज जो जनरेशन एडिक्शन में है 110% उनके जो आज के जो यूथ जो छोटे बच्चे आगे बैठे हैं ये इस जो ये एरिया है ये इस दलदल में फंसता जाएगा और उस स्टेज में पहुंच जाएगा जब आप चाहेंगे भी कि ये सब चीजें चेंज हो, तब आपकी कोई मदद कर भी नहीं पाएगा और आप पूरी फैमिली जो है इस चक्कर में फंस जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि कुछ हमने रीजन डिस्कस किए कि नशे में क्यों जाना है, क्यों जाते हैं लोग, आप नशे से बचना कैसे है। नशे से बचने का एक बहुत बड़ा जो तरीका है वो है कि आपको नशे के बारे में नॉलेज सीख करनी है। आज हर किसी के पास फोन है, यूट्यूब है, गूगल है, हम इतना कुछ पूरा दिन टिकटॉक पे देखते हैं, गूगल करते हैं। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार एडिक्शन के बारे में यूट्यूब पे देखिए, गूगल पे देखिए और नशे के बारे में नॉलेज पूरी गेन कीजिए कि नशा किस तरीके से हमारी बॉडी को डैमेज करता है, हमारे ब्रेन को डैमेज करता है और नशे के क्या नुकसान है। उसके बाद अपने घरों के इन्वायरमेंट को कोशिश करिए हेल्दी और अच्छा बनाने का, पेरेंटिंग का रोल बहुत अच्छा प्ले करिए ताकि आपका बच्चा जो है वो स्ट्रेस फ्री रहे। अगर उसको बाहर का कोई भी स्ट्रेस है वो घर आके अपने पेरेंट्स के साथ उनके बात कर पाए, क्योंकि हम एज पेरेंट अपनी जिंदगी का एक मेजर चंक जी चुके होते हैं, लेकिन जो टीनेज बच्चा है उसकी जिंदगी अभी आगे पड़ी है और उसको हेल्प आउट करने के लिए सिर्फ